वो इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द इंटरनल नोज। ठीक है, इंटरनल नोज में सबसे पहले क्या होता है, इंटरनल नोज में ये सपोज हमारा नोज है, ठीक है, ये जो नोज का सबसे आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नोज, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से जब कोई इन्फेक्शन होता है तो इसके चांसेस होते हैं कि यहाँ पे फरंकल डेवलप हो सकता है। ठीक है, फरंकल या जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलाइटिस, या वेस्टिब्यूलाइटिस भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ नोज। ठीक है, वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ ईयर भी होता है, लेकिन वेस्टिब्यूल ईयर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में। इसलिए इनर ईयर का वेस्टिब्यूलाइटिस का मतलब क्या होगा, वो होगा लेबरिंथाइटिस, इसका मतलब वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी। और यहाँ पे नोज में वेस्टिब्यूलाइटिस मतलब फरंकल, ठीक है, हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन। तो ये दोनों डिफरेंस है, वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ ईयर में और वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ नोज में। अब इसके बाद नेजल कैविटी, ठीक है, पीछे की साइड नेजल लेटरल वॉल ऑफ द नोज में तीन बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे तीन बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं कॉनका, थ्री बोनी प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं कॉनका, या टर्बिनेट भी बोलते हैं। जो टोटल तीन होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, तीन कॉनका या तीन टर्बिनेट। अब कॉनका के पीछे, कॉनका की अरेंजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ एंटीरियर व्यू से। एंटीरियर व्यू में कैसी अरेंजमेंट होती है, ये सपोज हमारी नोज है, ठीक है, फ्रंट व्यू से, फ्रॉम द एंटीरियर व्यू ये नोज है, यहाँ पे नेजल सेप्टम होगा, ठीक है, ये पूरा नेजल सेप्टम, ये होगी हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज, लेटरल वॉल ऑफ द नोज। अब यहाँ पे लेटरल वॉल ऑफ द नोज में यहाँ पे ऐसा बोनी प्रोजेक्शन होता है, ऐसे तीन बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम होता है, तीन बोनी प्रोजेक्शन इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। अब लेटरल वॉल ऑफ द नोज और ये जो कॉन्का है, टर्बिनेट है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, कि ये स्टार ये बना, ये जो गैप है इसको बोलते हैं मिएटस, इसको बोलते हैं मिएटस। तो ये भी तीन होंगे, ठीक है, सुपीरियर और मिडल के, सुपीरियर के नीचे सुपीरियर मिएटस, मिडल के नीचे मिडल मिएटस, इन्फीरियर के नीचे इन्फीरियर मिएटस। तो मिएटस भी तीन होंगे, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। अब इसमें से इनकी अरेंजमेंट कौन सी होती है, इनकी लोकेशन कौन सी होती है, तो जो इन्फीरियर टर्बिनेट होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, क्योंकि इट ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द नेजल, होल ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, फ्रॉम आगे से लेके पूरा पीछे तक एक्सटेंड करता है। और जो मिडल होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट होता है, वो कौन सा ऑक्यूपाई करता है, पोस्टीरियर हाफ, ठीक है, पोस्टीरियर हाफ ऑक्यूपाई करता है मिडल मिएटस। और जो सुपीरियर होता है वो पोस्टीरियर वन थर्ड, ठीक है, इतना ही होता है, ये आगे का थोड़ा नहीं, पोस्टीरियर वन थर्ड होता है सुपीरियर मिएटस। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा, इन्फीरियर कॉन्का, सॉरी मैं मिएटस बोल रहा था, इन्फीरियर कॉन्का, उसके बाद मिडल कॉन्का और सबसे लास्ट में सबसे छोटा सुपीरियर कॉन्का। ये हो गए कॉन्का, सुपीरियर कॉन्का पोस्टीरियर वन थर्ड, मिडल कॉन्का पोस्टीरियर हाफ और इन्फीरियर होल ऑफ द नेजल कैविटी, होल ऑफ द नेजल कैविटी। ये हो गए बेसिक, ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज की एनाटॉमी। ठीक है, तो ये है पूरी लेटरल वॉल ऑफ द नोज की एनाटॉमी। आगे का पार्ट, ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल जहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ के हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन को बोलते हैं फरंकल या वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ नोज। वेस्टिब्यूलाइटिस ऑफ ईयर का मतलब होता है लेबरिंथाइटिस, ठीक है, इनर ईयर में प्रेजेंट ना वेस्टिब्यूल कोक्लिया, ठीक है, इसलिए वेस्टिब्यूल ऑफ ईयर को बोलते हैं लेबरिंथाइटिस। अभी आ गए लेटरल वॉल ऑफ द नोज, ठीक है, ये तीन बोनी प्रोजेक्शन है, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर टर्बिनेट या कॉन्का। अब इसके नीचे की साइड, ठीक है, मिडल टर्बिनेट के नीचे और पीछे की साइड गैप होता है, इसको बोलते हैं मिएटस। सुपीरियर के नीचे सुपीरियर मिएटस, मिडल के नीचे मिडल मिएटस, इन्फीरियर के नीचे इन्फीरियर मिएटस। ये हो गई मिएटस और कॉन्का के बारे में। जो इन्फीरियर टर्बिनेट होता है वो पूरा लेटरल वॉल ऑफ नोज को, ठीक है, एक्सटेंड करता है पूरा लेटरल वॉल के मार्जिन तक। और जो मिडल होता है वो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द नेजल कैविटी तक एक्सटेंड करता है।
और जो सुपीरियर सुपीरियर टर्बिनेट होता है वो सिर्फ पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, तो ये है इमेज ऑफ द नेजल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, ये बीच में नेजल सेप्टम है, ये जो बोनी प्रोजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला नहीं दिख रहा सुपीरियर कोन का, ये तीन होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं टर्बिनेट्स। ठीक है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट्स दोनों साइड। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये इसको बोलते हैं मिएटस। ठीक है, मिएटस यहाँ पे जो डक्ट्स होता है उन सबकी ओपनिंग यहाँ पे होती है। डक्ट्स या दूसरे बहुत सारी चीज़ों की ओपनिंग होती है, साइनस की। ठीक है, जो पैरानेजल साइनस होती है उन सबकी ओपनिंग वहाँ पे होती है। तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमको क्लिनिक साइनसाइटिस हुआ हो, ठीक है, या फिर सपोज दूसरे कौन से डक्ट में इन्फेक्शन हुआ और हमको उधर उधर क्लिनिकली अप्रोच करना हो, तो हम वायद ये मिएटस में जाके अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वो डक्ट के साइनसाइटिस को ट्रीट करने के लिए यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं नेजल कैविटी के थ्रू। और अब ये दोनों टर्म्स को टर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्का बुलोसा, दूसरा है हाइपरट्रोफी टर्बिनेट। अब जो नॉर्मली जो कॉन्का होता है, टर्बिनेट होता है, ये बोन में कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर एयर एंटर हो गई तो उसको बोलते हैं कॉन्का बुलोसा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, न्यूमेटाइज्ड टर्बिनेट। ठीक है, न्यूमेटाइज्ड टर्बिनेट मतलब एयर प्रेजेंट इन द कॉन्का या टर्बिनेट। और हाइपरट्रोफी टर्मिनेट का डेफिनेशन क्या होगी, ये सिंपल बोनी हाइपरट्रोफी होती है। ठीक है, बोन की थिकनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज थिकनेस ऑफ द बोन। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल हाइपरट्रोफी भी कह सकते हैं, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ उसकी साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब मोस्ट कॉमन कौन से टर्मिनेट में होता है, तो जो कॉन्का बुलोसा होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है इन द मिडल टर्बिनेट। और जो हाइपरट्रोफी टर्बिनेट होता है वो होता है मोस्ट कॉमनली इन द इन्फीरियर टर्बिनेट। अब जो कॉन्का बुलोसा होता है उसको बहुत सारे लोग मतलब क्लिनिशियंस कंफ्यूज कर देते हैं विद द नेजल पॉलिप। ठीक है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस होती है वो नेजल पॉलिप जैसी होती है। नेजल पॉलिप भी मोस्ट कॉमनली कौन सा कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, तो मिडल टर्बिनेट, और द कॉन्का बुलोसा भी इन द मिडल टर्बिनेट। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्लिनिशियंस कन्फ्यूज कर देते हैं कॉन्का बुलोसा को नेजल पॉलिप के थ्रू। अब हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट होगा तो उसकी अपीयरेंस कौन सी होगी, तो अपीयरेंस होती है मलबरी अपीयरेंस। ठीक है, या इरेग्युलर अपीयरेंस। ठीक है, उसकी सरफेस होगी वो बहुत इरेग्युलर होगी। ठीक है, रफ सरफेस होगी, तो ऐसी होती है अपीयरेंस ऑफ द हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट। अब अगर कॉन्का बुलोसा हुआ तो ठीक है, वो जो मिडल मिएटस में बहुत सारे साइनसिस की ओपनिंग होती है तो उन सबको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से साइनस का इन्फेक्शन होता है, इसको बोलते हैं साइनसाइटिस। ठीक है, तो कॉन्का बुलोसा कैन लीड टू द साइनसाइटिस। और अगर हाइपरट्रोफी टर्बिनेट हुआ तो वो नेजल कैविटी को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से नेजल डिस्चार्ज इंक्रीज होगा। तो ठीक है, इन सब और दूसरे कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको होगा हाइपरट्रोफीड राइनाइटिस। तो शॉर्टली क्या हुआ, कॉन्का बुलोसा कैन लीड टू साइनसाइटिस वाइल हाइपरट्रोफिक टर्मिनेट कैन लीड टू द हाइपरट्रोफीड राइनाइटिस। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट कॉमन होगी मिनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है इसकी, जहाँ पे ऑब्वियसली अगर टर्मिनेट की साइज इंक्रीज हुई है तो हमको टर्मिनेट निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हम पूरा टर्मिनेट नहीं निकालेंगे, सिर्फ पार्शियल टर्मिनेक्टोमी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो जितना एनलार्ज पार्ट हुआ होगा उतना ही टर्मिनेट हम निकालेंगे, पार्शियल टर्बिनेक्टोमी। तो ये हो गए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्का बुलोसा एंड हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट। कॉन्का बुलोसा मतलब न्यूमेटाइज टर्बिनेट, ठीक है, एयर प्रेजेंट इन द टर्बिनेट। हाइपरट्रोफिक मतलब इंक्रीज थिकनेस ऑफ द बोन या एक्सटर्नल हाइपरट्रोफी। दूसरा, कॉन्का बुलोसा कॉमन इन द मिडल टर्बिनेट, हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट इन द इन्फीरियर टर्बिनेट। कॉन्का बुलोसा कन्फ्यूज विद द नेजल पॉलिप। और हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट की अपीयरेंस कौन सी होती है, मलबरी या इरेगुलर अपीयरेंस, इरेगुलर या रफ सरफेस अपीयरेंस। कॉन्का बुलोसा कैन लीड टू साइनसाइटिस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द साइनस ओपनिंग इन द मिडल मिएटस, वाइल हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट कैन लीड टू हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। दोनों की कॉमन ट्रीटमेंट है पार्शियल टर्बिनेक्टोमी। ठीक है, तो ये एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है, ठीक है, NCCT। यहाँ पे ये है इन्फीरियर टर्बिनेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कैविटी में कैविटी होती है नहीं, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मिडल टर्मिनेट को देखो तो यहाँ पे ठीक है एयर प्रेजेंट है दोनों साइड।
तो एयर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोंका बुलोसा, विच इज मोस्ट कॉमन इन द मिडल टर्बिनेट, ठीक है, या न्यूमेटाइज्ड टर्बिनेट, इसकी डेफिनेशन कोंका बुलोसा, ठीक है। ये दूसरी एक इमेज, यहाँ पे नॉर्म इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला भी नॉर्मल है, राइट साइड में मिडल टर्बिनेट में यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया दूसरा कोंका बुलोसा। अब ये जो देख रहे हो ये नॉर्मल इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, राइट साइड वाला टर्बिन इन्फीरियर टर्बिनेट ज़्यादा साइज में कुछ ज़्यादा बड़ा, ठीक है, हाइपरट्रोफी हुई है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी टर्बिनेट। ये हो गई स्कैन्स ऑफ द हाइपरट्रोफी टर्बिनेट और कोंका बुलोसा, ठीक है। तो आगे दूसरा देखते हैं इथमॉइड बोन के बारे में, ठीक है, इथमॉइड बोन का बेसिकली रफ स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, बाद में इमेज देखते हैं। ये सपोज हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, अब बेस सपोज ये इथमॉइड बोन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड ऑर्बिट होती है जहाँ पे अपनी आईबॉल होती है, आईबॉल प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई बेसिक इथमॉइड। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, सुपीरियर और मिडल टर्मिनेट थे वो दोज आर द पार्ट्स ऑफ द इथमॉइड बोन, ठीक है, ये पूरा इथमॉइड बोन है, यहाँ पे सुपीरियर टर्मिनेट होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिडल टर्मिनेट, ठीक है, ये दोनों टर्मिनेट हो गए। अब मिडल टर्मिनेट के नीचे एक दूसरा सिकल शेप्ड बोन होता है जो अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, ये टर्मिनेट थे वो नीचे प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन मिडल टर्मिनेट के नीचे एक सिकल शेप्ड बोन होता है जो ऊपर की साइड प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जो होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस, अनसिनेट प्रोसेस। और ये दोनों सुपीरियर और मिडल टर्बिनेट। अब ये एक बोन दिख रहा है, ठीक है, विच सेपरेट्स द नेजल कैविटी विद द ऑर्बिट, तो ठीक है, ये कौन सा बोन होगा, थिन पेपरी बोन होता है, ठीक है, ये थिन पेपरी बोन होता है, इस बोन का नाम है लैमिना पेपिरेशिया, शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये होता है लैमिना पेपिरेशिया विच सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम द ऑर्बिट। तो क्या कह सकते हैं, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट इज फॉर्म्ड बाय द लैमिना पेपिरेशिया, या लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी विच सेपरेट इज फ्रॉम ऑर्बिट इज कॉल्ड लैमिना पेपिरेशिया। अब जो ऊपर का बोन होता है, ऊपर का पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ठीक है, ये सेपरेट करता है बेस ऑफ स्कल को, तो इस पार्ट को बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है, ऊपर के पार्ट को क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब सेंटर में ये एक बोन होता है जो सेपरेट करता है दो नेजल कैविटी को, डिवाइड करता है दो पार्ट में, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। तो ठीक है, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इथमॉइड बोन, ठीक है, इसके इथमॉइड बोन के ही पार्ट होते हैं सुपीरियर और मिडल टर्बिनेट के नीचे अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है, सिकल शेप्ड बोनी प्रोजेक्शन विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अब नेजल कैविटी और ऑर्बिट को सेपरेट कौन करता है, लेमिना पेपरेशिया, बेस ऑफ स्कल और नेजल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। नेजल सेप्टम का पार्ट कौन होता है, या परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड। अब जो इन्फीरियर टर्मिनेट होता है, ठीक है, वो एक सेपरेट बोन होता है। तो हम अगर बोले कि इथमॉइड बोन आर्टिकुलेट्स विथ विच टर्मिनेट, तो वो होगा आर्टिकुलेट्स विद द इन्फीरियर टर्मिनेट। वाई, बिकॉज सुपीरियर एंड मिडल टर्मिनेट आर द पार्ट्स ऑफ द इथमॉइड बोन, सो इथमॉइड बोन आर्टिकुलेट्स विद द इन्फीरियर टर्मिनेट। तो ये है पूरा इथमॉइड बोन, ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये पूरी नेजल कैविटी है, ये नेजल सेप्टम है, सुपीरियर यहाँ पे होता है, सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर टर्मिनेट। अब सुपीरियर और मिडल टर्मिनेट आर पार्ट ऑफ द इथमॉइड बोन, ठीक है, इन्फीरियर टर्मिनेट इज अ सेपरेट बोन, सो इथमॉइड बोन आर्टिकुलेट्स विद द इन्फीरियर टर्मिनेट। अब नेजल कैविटी को ऑर्बिट को सेपरेट कौन करता है, इथमॉइड बोन का कौन सा पार्ट, तो ये लेमिना पेपरेशिया, ठीक है, ये होता है लेमिना पेपरेशिया पूरा नीचे एक्सटेंड करता है, वहाँ पे
इन्फीरियर टर्बिनेट वाले एरिया में उसके लेटरल साइड में क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस दोनों, यहाँ पे दोनों ऑर्बिट, ये ऊपर वाला पार्ट लेमिना पेपरेशिया। अब जो बेस ऑफ स्कल और नेजल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। और जो नेजल सेप्टम का पार्ट कौन बनाता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। तो ये हो गए पूरे इथमॉइड बोन के पार्ट, ठीक है, टोटल तीन पार्ट, लेमिना पेपरेशिया, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड। अब यहाँ और ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे इथमॉइड एयर सेल्स होते हैं, ठीक है, इथमॉइड साइनस जो मिलके फॉर्म करता है इथमॉइड साइनस। तो अगर इथमॉइड साइनस में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो ठीक है, उसकी वजह से ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट किससे होते हैं, बहुत ही थिन पेपरी बोन लेमिना पेपरेशिया से। सिमिलरली अगर ऑर्बिट में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो उसकी वजह से साइनस का इन्फेक्शन, ठीक है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है। दोनों का रीज़न है कि क्योंकि दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द थिन पेपरी बोन विच इज़ लेमिना पेपरेशिया। ये हो गया पूरा इथमॉइड बोन। अब ये लेटरल वॉल ऑफ नोज है, ठीक है, ये एंड कहाँ पे होता है, तो ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट्स जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे लेटरल वॉल ऑफ नोज एंड हो जाता है, उसके बाद नेजोफेरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अब सबसे पहले ओपनिंग्स इन द मिएटस, उन सबको डिस्कस करने से पहले यहाँ नेजोफेरिंग्स में दो ओपनिंग होती है, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, ओपनिंग इन द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब, जो होती है इन्फीरियर टर्मिनेट के पीछे। और मिडल टर्मिनेट के पीछे कौन सी ओपनिंग होती है, वो होती है स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन, ठीक है, दोनों नेजोफेरिंग्स में ओपन होती है नेजल कैविटी के पीछे। तो सबसे पहले उन दोनों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग। तो ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब ओपन कहाँ पे होती है, तो 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, इन्फीरियर टर्बिनेट देखा था, उसके 1.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द इन्फीरियर टर्बिनेट। अब यूस्टेचियन ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी होती है, वो होती है 36 mm। अब इसके टोटल दो पार्ट होते हैं, एक बोनी और दूसरा कार्टिलेजिनस। वे कौन सा बोनी होता है, मीडियल होता है, लेटरल होता है, मीडियल वन थर्ड होता है, लेटरल टू थर्ड होता है, ठीक है, कौन सा होता है वो सपना थे। अब यूस्टेचियन ट्यूब का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वेंटिलेशन ऑफ मिडल ईयर और दूसरा ड्रेनेज ऑफ द सिक्रीशंस फ्रॉम द मिडल ईयर। तो अगर सिक्रीशन को ड्रेन करना होगा तो उसकी वजह से जो मेजर पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कार्टिलेजिनस। तो ठीक है, टू थर्ड पार्ट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस। अब यूस्टेचियन ट्यूब ओपन कहाँ पे होता है, नेजोफेरिंक्स में, ठीक है, नेजोफेरिंक्स में और दूसरी साइड मिडल ईयर में, ठीक है, मिडल ईयर कौन सा होता है, बोनी पार्ट होता है। तो ठीक है, बोनी पार्ट होता है वो मिडल ईयर में ओपन होता है, इसकी वजह से जो लेटरल वन थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, जो लेटरल वन थर्ड पार्ट होगा वो होगा बोनी पार्ट, और जो मीडियल टू थर्ड पार्ट होगा वो होगा कार्टिलेजिनस। मीडियल इसलिए क्योंकि वो नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है, ठीक है, नेजोफेरिंक्स मीडियल साइड आता है, और लेटरल इसलिए क्योंकि वो बोनी मिडल ईयर में ओपन होता है, टू थर्ड कार्टिलेजिनस इसलिए होता है क्योंकि उसको सिक्रीशंस ड्रेन करने होता है, ठीक है, ड्रेन करने के लिए मोस्टली कार्टिलेजिनस पार्ट होना चाहिए इसके, तो ही वो ड्रेन कर सकता है। अब ये सपोज हमारा ईयर है, ठीक है, यहाँ पे मिडल ईयर है, यहाँ पे ये सपोज पूरा नोज है, यहाँ पे समवट ओपन होगा, ठीक है, यहाँ मिडल ईयर की एंटीरियर वॉल में, ठीक है, मिडल ईयर की एंटीरियर वॉल और 1 सेंटीमीटर यहाँ इन्फीरियर टर्मिनेट है, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द इन्फीरियर टर्मिनेट यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा यूस्टेचियन ट्यूब, मीडियल टू थर्ड कार्टिलेजिनस, लेटरल वन थर्ड बोनी पार्ट। अब ये जो एंगल बना, ठीक है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये होगा 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज एंगल होगा हॉरिजॉन्टली। अब दूसरी, अगर ये जो ओपनिंग है, ठीक है, नेजोफेरिंक्स में यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ पैड ऑफ फैट, ठीक है, पैड ऑफ फैट सराउंड क्यों करता है, क्योंकि सिक्रीशंस ड्रेन करने के लिए इसको बार बार डायलेट कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, इसके लिए जो पैड ऑफ फैट होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो पैड ऑफ फैट होता है उसको बोलते हैं ओस्टमैन्स पैड ऑफ फैट, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब के, ठीक है, ये रहा यूस्टेचियन ट्यूब के, ठीक है, मिडल ईयर की एंटीरियर वॉल से इन्फीरियर टर्मिनेट के 1.25 सेंटीमीटर पीछे ओपन होता है।
ठीक है, इसका कौन सा पार्ट कार्टिलेजिनस होगा, तो मीडियल 2/3 कार्टिलेजिनस और लेटरल 1/3 बोनी पार्ट। अब इट इज सराउंडेड बाय पैड ऑफ फैट नोन एज ओस्टमैन पैड ऑफ फैट, ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ये हो गई यूस्टेचियन ट्यूब की डिटेल। अब दूसरी जो अपनी नेजोफेरिंक्स में है, ठीक है, वो है स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। सबसे पहले कौन सी देखी थी, अभी यूस्टेचियन ट्यूब। अब स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन कहाँ पे ओपन होती है, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड मिडल टर्बिनेट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड मिडल टर्बिनेट स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन की ओपनिंग होती है। अब सब ये हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, ये नोज है, ऑर्बिट, आग, आईबॉल, ठीक है। अब नोज के बाजू में क्या होता है, ये होता है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, दोनों साइड मैक्सिलरी साइनस। अब मैक्सिलरी साइनस के ऊपर की स्किन हमने सपोज रिमूव कर दी, तो मैक्सिलरी साइनस में एंटर हो गए, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस को यह बोलते हैं मैक्सिलरी एंट्रम, ठीक है, उसकी कैविटी को। मैक्सिलरी साइनस में एंटर हो गए, मैक्सिलरी साइनस के पीछे होता है स्पिनोपैलेटाइन फोसा या टेरिक स्पिनोपैलेटाइन फोसा, ठीक है, उसके अंदर होता है स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। ये मैं आपको ड्रॉ कर दिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ये जो व्यू है, ठीक है, ये हम लेटरल व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सपोज हमारी ऑर्बिट हुई, ठीक है, यहाँ ऑर्बिट के ऊपर क्या होता है, बेस ऑफ स्कल, ठीक है, जो स्लैंटिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होता बेस ऑफ स्कल, स्लैंटिंग होता है। तो ये हो गया बेस ऑफ स्कल। अब आंख के नीचे क्या है, मैक्सिलरी साइनस, तो ठीक है, ये बनाया मैक्सिलरी साइनस। अब बेस ऑफ स्कल का ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे होता है स्पिनोइड बोन, सॉरी स्पिनोइड साइनस, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पिनोइड बोन, ठीक है, ये स्पिनोइड बोन है पूरा। अब पीछे की साइड स्पिनोइड बोन के यहाँ पे दो प्लेट्स ऑफ बोन एक्सटेंड करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेरिगॉइड प्लेट्स, ठीक है, ये टेरिगॉइड प्लेट्स। तो लेबल कर देते हैं बेस ऑफ स्कल, ठीक है, ये ऑर्बिट, मैक्सिलरी साइनस, ये टेरिगॉइड प्लेट, जहाँ से कौन से मसल ओरिजिन होता है, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ये टेरिगॉइड प्लेट। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस और टेरिगॉइड प्लेट के बीच में, इसको बोलते हैं स्पिनोपैलेटाइन फोसा, ये स्पिनोपैलेटाइन फोसा, ठीक है, ये पूरा स्पिनोपैलेटाइन फोसा के सेंटर में ये जो फोरामेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन, ठीक है। तो इसकी लोकेशन ठीक हो गई, मैक्सिलरी साइनस और टेरिगॉइड प्लेट के बीच में फोसा होता है, इसको बोलते हैं स्पिनोपैलेटाइन फोसा, या दूसरा नाम है टेरिगो मैक्सिलरी फोसा, ठीक है, टेरिगो मैक्सिलरी फोसा या स्पिनोपैलेटाइन फोसा, वहाँ पे उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन की, स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन के अंदर से ही जो वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है इन द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे होगा मैक्सिलरी साइनस के पीछे, यहाँ पे कहीं पे होगा स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन, ठीक है, तो यहाँ से सब आर्टरीज और नर्व्स एंटर करेगी यहाँ पे नेजल लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी में, ठीक है, ये हो गया पूरा स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। इसका सिग्निफिकेंस, यहाँ पे सपोज आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स, ठीक है, ये सब एंटर हो रही है, ये जो पूरा है स्पिनोपैलेटाइन फोसा। अब दूसरा एक सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन ये है कि इट इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा क्या है वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। दूसरी, ये जो आर्टरीज, वेसल, नर्व जो एंटर कर रही है स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन से, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, सबसे पहली होती है मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व, और लास्ट एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है, लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। तो ये तीनों एंटर करते हैं
द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी वाया द स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। होप आप सबको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए। अब मैंने बोला था कि स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन की ओपनिंग कहाँ पे होती है, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिडल टर्मिनेट। ठीक है, तो मिडल टर्मिनेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे मिडल टर्मिनेट होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे इसकी 1 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली ओपनिंग ऑफ द स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, तो अब इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी होगी वो देखते हैं। एंटीरियरली मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, पोस्टीरियरली टेरिगॉइड प्लेट। ठीक है, अब मीडियली क्या होगी, मीडियली होगी लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स, सॉरी, क्योंकि ये नेसोफेरिंग्स में ओपन होता है इसलिए लेटरल मीडियल बाउंड्री कौन सी होगी, लेटरल वॉल ऑफ द नेसोफेरिंग्स। अब इसकी लेटरल बाउंड्री कौन सी होगी वो देखते हैं। लेटरल बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे होता है टेम्पोरल फोसा, तो यहाँ पे ये वाली स्पेस, ठीक है, यहाँ पे खाली होती है, तो ये वाले फोसा को बोलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये होगी इसकी लेटरल बाउंड्री, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब ये जो स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन होता है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ कनेक्ट कैसे होता है, वाया द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। यहाँ पे वॉल्स लिख, बाउंड्रीज लिख देता हूँ, ठीक है, स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन। एंटीरियरली मैक्सिलरी साइनस, पोस्टीरियरली टेरिगोइड प्लेट्स, मीडियली लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स, और लेटरली इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है, विच कनेक्ट्स वाया द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। तो अगर मैंने बोला था एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है, स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा, तो इट कैन गो मीडियली मीडियली इन द लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स, लेटरली इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है, ये उसके रूट्स हो सकते हैं, यहाँ पे वो जा सकता है एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, तो ये देख ली हमने ओपनिंग्स इन द नेसोफेरिंग्स, स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन और यूस्टिचियन ट्यूब। अब सबसे देखते हैं ओपनिंग इन द मिएटस, तो ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग इन द इन्फीरियर मिएटस। इन्फीरियर मिएटस में कौन सी ओपनिंग होती है, वो होती है नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट। अब ओपनिंग कहाँ पे होती है, इन्फीरियर टर्मिनेट में। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। ठीक है, एट जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। अब जो नेसोलैक्रिमल डक्ट होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो नेसोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है, दो होते हैं दोनों साइड, राइट और लेफ्ट डबल, ठीक है, दो होते हैं, तो डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, ठीक है, ये होती है उसकी डायरेक्शन ऑफ नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, तो ये है ओपनिंग ऑफ द नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, ये इन्फीरियर मिएटस में, एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। यहाँ पे अगर इसको इजीली लोकेट करना हो तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इन्फीरियर मिएटस, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे होती है ओपनिंग ऑफ द नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, ये फ्रॉम द फ्रंट नेसोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, आई से यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ से टीयर सीक्रेट हो गए, ड्रेन कहाँ पे होते हैं, इन द इन्फीरियर मिएटस, ओपन इन द इन्फीरियर मिएटस। इसकी डायरेक्शन, ठीक है, डबल, DBL, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली। अब फॉर एनी अननोन रीजन, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट में, तो यहाँ पे टीयर सीक्रेट नहीं हो सकेंगे, ठीक है, नेजल कैविटी में, तो इसकी एक ऑपरेशन है DCR, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। ठीक है, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, DCR, जिसमें क्या करते हैं, लैक्रिमल नेजोलैक्रिमल सैक और नेजल कैविटी को सेपरेट कौन कर रहा है, ये बोन, ठीक है, लैक्रिमल बोन, तो इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे इन दोनों की ओपनिंग को ज्वाइन कर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली सिक्रीट हो सकते हैं टीयर्स फ्रॉम द आई। तो ये ऑपरेशन का नाम है DCR, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। अब अगर दूसरा कोई माइल्ड ब्लॉकेज होगा, ठीक है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उस दूसरा क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मसाज इन द लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, जो लैक्रिमल पैसेज है यहाँ पे ऐसे स्लोली स्लोली मसाज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल सकता है। जो इन्फीरियर मिएटस में ओपन कर रही है नेसोलैक्रिमल डक्ट, यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है,
वाल्व क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द टीयर्स को प्रिवेंट करता है। तो इस वाल्व का नाम है वाल्व ऑफ हेसनर। कौन सा वाल्व होता है, वाल्व ऑफ हेसनर इन द इंफीरियर मिएटस। वाल्व कौन सा था, वाल्व ऑफ हेसनर, ये हो गई इन्फीरियर मिएटस।